सोच रहा हूँ यार गाड़ी को ब्लैक करा ले क्या। ब्लैक करवाने के बाद गाड़ी को धीरे चलाना क्योंकि रात में दिखती नहीं है। सरप्राइज आने वाला बहुत तगड़ा। मैंने जमा करवा दिए, गाड़ी हमारी जमा है भाई। क्या आवाज है भाई। एक तो भाई मुंह खोलता हूँ तो लगता है विवाद हो जाएगा, तो चुप ही रहता हूँ। Hey guys, तो मौसम है सुहाना, चकले खा रहा है खाना और आज है हमें बहुत सारा फन करके आना। वाह। सोच रहा हूँ यार गाड़ी को ब्लैक करा ले क्या। करवा रहे हो? सच में करवा रहे हो? अबे हम गाड़ी क्यों लेके आए? ब्लैक कराने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, टोरा जमाने के लिए। सही पकड़े हैं गाइस। तो जैसा कि हमारा प्लान हुआ था, हमने कहा था कि भाई गाड़ी आएगी तो मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, मॉडिफिकेशन कराएंगे और गाड़ी को थोड़ा सा चटक सेक्सी बदमाश बनाएंगे। और ऋतिक और बताओ यार कैसे हो मेरे भाई? एकदम सेक्सी। तू सेक्सी है? 3 दिन से यहीं पड़ा हूँ, अभी और काम दे रहा हूँ, खा ले जल्दी से। ठीक है भाई। माय गाइस दैट्स सो हार्ड वर्किंग। इसको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं मॉडिफिकेशन कराऊंगा, इसको यही लगता है कि अभी तक मैं अपने वरना के पैर पे अटका हूँ, लेकिन फॉर्च्यूनर वाला मैं भी हो गया हूँ। तो फॉर्च्यूनर पे कैसा लगता है तुझे? फॉर्च्यूनर पे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। लाल चावल लगे। ओ गाइस आई हैव ब्रह्मास्त्र के साथ। तो गाइस खाना खा लिया और अब निकल रहे हैं। आर यू हैप्पी ब्रो? आई एम गुड। भाई कलर वैसे प्यारा तो है, सिल्वर थोड़ा सा लो मेंटेनेंस कलर है। सिल्वर क्लासी लगती है, लेकिन चीज क्या है, गैंगस्टर बाजी तो फिर ब्लैक में ही है। क्या बात है भाई, तुमको करनी है क्या गैंगस्टर बाजी? मुझे नहीं करनी, मेरी गैंगस्टर बाजी तो पूर्क करते हुए आ रहे। दो शराब पहन के मारूंगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। कौन मुझे कह रहा था? आई थिंक आपके चाचा कह रहे थे, कोई कौन कह रहा था? ब्लैक करवाने के बाद गाड़ी को धीरे चलाना क्योंकि रात में दिखती नहीं है। कलर का शेड दिखाने के लिए पहन कर आए हो क्या? ये किस शेड की? इस कलर का चाहिए, इससे ज्यादा डार्क चाहिए। अच्छा डैम्पिंग हो रही है? डैम्पिंग हाँ, मतलब समझ गया कि आवाज ना आए। ये वाली सस्ती है, वो महंगी वाली अंदर। अच्छा ये ऐसे चिपकती है इसमें। फ्लोर भी करा रहा है, देखो ना फ्लोर भी करा रहा है। कार में कराने से सबसे अच्छा फायदा डैम्पिंग का ये हो जाता है भाई इंसान के पास, कि भाई अंदर की जो म्यूजिक क्वालिटी रहती है वो अच्छी हो जाती है और बाहर की जो फालतू के अनइवन साउंड है वो गाड़ी के कैबिन में नहीं आते हैं। तीसरी चीज भाई डोर मजबूत हो जाता है, कल को आप किसी के सर्वर पे मारोगे तो नुकसान भारी हो सकता है। मगर क्यों? सरप्राइज आने वाला बहुत तगड़ा। बढ़िया बन जाएगी है? किसी को मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी बलिनो ऐसी बन जाएगी। तेरी एक्सपेक्टेशन? हाँ वैसे मुझे भी नहीं थी। वो घटिया सी कार वो तुम्हारी है क्या भाई? आपके मुझे ऐसी ना। ब्लैक ऐसी आएगी शी? सेम। ठीक है काफी। तो ये ट्रांसफर 300% स्ट्रेचेबिलिटी है। नहीं जो मेरे को भाई वैसे बता रहे थे ये वाला ठीक है काफी। भाई हम जो गाड़ी पे कराने की सोच रहे थे, पहले हमने सोचा था कि हम रैप कराएंगे, अब भाई जी ने मेरे को बोला कि भाई पीपीएफ करवाते हैं, अपने पास 200 या 220 माइक्रोन्स का पीपीएफ है। बिल्कुल। और साथ के साथ उस पीपीएफ का ये फायदा है कि उसमें एंटी रिकवरी है। एंटी रिकवरी, सेल्फ हीलिंग, मतलब अच्छा धूप पड़ेगी उसमें तो वो अगर स्क्रैचेस जो होते हैं वो रिफिल हो जाएंगे टेम्परेचर पे ही। जब ये हम अगर पीपीएफ भी इन केस नहीं मन कर रहा पीपीएफ भी उतारना चाहे तो पेंट आपका बचा रहा है। रैप में प्रॉब्लम्स होती है? रैप में कभी कभार क्या प्रॉब्लम होती है, जो उसका एडहेसिव होता है वो पेंट को उखाड़ देता है। अच्छा पीपीएफ और रैप में जो थिकनेस का फर्क है वो मेरे हिसाब से रैप ज्यादा थिक होता है। रैप ज्यादा थिक होता है और उसकी एडहेसिव भी ठीक होती है। पीपीएफ का क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होता है। अच्छा आप अभी जमा करके जाएंगे क्या? हाँ यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़ेंगे, जा भी रही थी। बहुत से लोग पीपीएफ कराते हैं लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है ना कि पीपीएफ सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है, तो उनके लिए भाई बता दूं कि ब्लैक में भी पीपीएफ आता है। और कहाँ आता है थोड़ा पीछे करके ऊपर दिखा दो, स्टूडियो पे आता है यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अगर आप आते हो तो कावासाकी का जो शोरूम है, कावासाकी निंजा का जो गाड़ी भाई को लेने वाला, और ये सारा जस्ट बगल में भाई ये शोरूम पड़ जाता है, तो ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। हाईवे से आप सीधा पकड़ के सीधा आ सकते हो। आवाज़ सीधा रोड के जस्ट बगल में है। सोच रहा हूँ साथ के साथ ये भी करा ही ले। करवा लो, अच्छा है ना, तो सेफ चीज है। और फिर ये जो ऐसे हिलने वाला है, तू पिटेगा तो तेरी चीख भी बाहर नहीं जाएगी। तेरे को ज्यादा परेशान करता है? देख ले, मतलब मैं कह रहा हूँ देख ले, मैं तो तेरे साथ घर निकल जाऊंगा, तेरा मर रहा है कि तू इसको लिफ्ट देना चाहता है कि नहीं। 80 रुपए लेगा ऑटो वाला यहाँ से घर तक, चले जाओ। तेरा भी तो ऑटो ही। कभी कभी तो ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, पता नहीं क्यों, मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा आज ये पेपर देख, तू पेपर देखा है? कैसा गया? कौन सा पेपर था? फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल मैनेजर। और कितने बजे पता चला कि इस चीज का पेपर?
तीन हफ्ते पहले लग गया था। कितनी पढ़ाई करी कल? तो तू गेड़ी काट रहा था। एग्जाम लिखते लिखते सर दर्द नहीं हुआ तेरे? ना। तो घुटने सूजे क्यों? मुझे अपने घर जाना है। तो गाइस अभी ये हुआ है कि गाड़ी मैंने जमा करवा दी है, गाड़ी हमारी जमा है और गाड़ी पे पूरा 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, गाड़ी पे पूरा काम होगा। तो अभी भाई अमोघ हमें घर छोड़ेगा और भाई तेरी मर्जी के हिसाब से चीजें हुई हैं इस बार, क्योंकि मेरी मॉडिफिकेशन आपने देख रखी है। हाँ, मॉडिफिकेशन तो यार अच्छी करता है, जो सपाट मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी करता है। ट्राई करने में क्या है कि एक्चुअली, हाँ भाई ट्राई करने में ये है, पर कोई नहीं करना चाहिए। बाकी अभी के लिए तो भाई घर जाते हैं, जब गाड़ी की मॉडिफिकेशन होती रहेगी तो दिखाते रहेंगे और एक बार गाड़ी कम्प्लीट होने के बाद आप सबको दिखाते हैं। ये बगल में कावासाकी, वाली कितने की है? हाँ 19 लाख। अरे बाबा, खड़ी कर दी दन्नो रानी और अब चल रहे हैं भाई अमोक के साथ ब्लैक स्टूडियो। ब्लैक सब आपके भरोसे यार। अच्छा तो गाइस गाड़ी तो जमा हो गई, क्या लग रहे हैं भाई, उम्मीदें क्या लग रही हैं? हैं अब तो बनने के बाद पता चलेगा, जिस हिसाब से उसने चीजें बताई है वो तो बढ़िया बताई है। एक तो शीट हैवी है, थिक है, डैम्पिंग कराओगे? डैम्पिंग करा रहे हो ना? डैम्पिंग और प्लस वो शीट लग जाएगी, दरवाजा इतना भारी हो जाएगा कि लोग उस पे आकर सर फोड़ा करेंगे, नारियल तोड़ा करेंगे। कि किसी को दुश्मनियों को चाबी घुमाए, चाबी से स्क्रैच मारे, स्क्रैच मारे और अगले दिन एंटी हीलो के हट जाए, फिर मारे, फिर हट जाए और वो साला पागल होके ईंट उठा के गाड़ी, तो गाड़ी पे तो स्क्रैच आ ही नहीं रहा, ईंट उठा के फोड़ दे गाड़ी। उस चीज के लिए तो बुलेट प्रूफ करानी पड़ेगी, गाड़ी रोकते नहीं ना ये, चला देते। तेरे को पता है मैंने घर जाके इस बार क्या सीखा? कितनी भी घर में गाड़ी गाड़ी हो, व्लॉग में सारी गाड़ियां मत दिखाना। मैंने भी दिखा रखी है मैंने व्लॉग में, समझा? अलाउड ही नहीं हमें बाइक और स्कूटी पे, पापा मना करते हैं। क्यों? अच्छा वो सिंगल दो टू व्हीलर है ना, गिरने का खतरा रहता है। नहीं गिरने का नहीं, अरे आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अभी कल की तो कल की न्यूज़ देखे ना, कल राजीव चौक पे गाड़ी पलट गई बाइक वाले पे। अरे ये खतरनाक, ड्राइव स्लो। हाँ क्या भाई? मेट्रो एक्सीडेंट अभी मैंने पढ़ा, कसम से, एक लड़की बाहर निकली, गेट बंद हो गया, साड़ी फंस गई, वो घसीटते हुए लेगी मेट्रो से। कहाँ पर हुआ ये रेड लाइन पे हुआ है। क्या हुआ फिर? मर गई, मेट्रो घसीटते हुए ले गई है। कहाँ तक गई? तो साड़ी, दर 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 दर, साड़ी का कपड़ा, साड़ी का कपड़ा फटा, पल्लू पल्लू फंस गया। अरे वो खींचने में लगी रहती, वो मेट्रो चल गई ना, तो मेट्रो से घसीटते हुए ले गई और धर 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 और पटरी पे पटक दिया। 10 जगह और पल्लू फंस सकता था, कोई लड़का पकड़ सकता था मेट्रो में फंसे। भाई तुम अजीब अजीब सीन बताते हो भाई, बाबा इन शॉर्ट्स आप पढ़ोगे बहुत अजीब गरीब न्यूज आती है उसमें, अजीब ही। भाई मेरे तो कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा, मैं सोच, एक तो भाई मुंह खोलता हूँ तो लगता है विवाद हो जाएगा तो चुप ही रहता हूँ। ट्रेनर साहब घर आए थे, मुझे समझा रहे थे कि इंजेक्शन के फायदे बता रहे थे भाई मेरे को। भाई मैं नहीं करवा सकता, सॉरी यार। भाई अब तो लगवा दिया मैंने, मजाक से हट के भाई फिटनेस के फायदे बता रहा था भाई की, मतलब फिटनेस के एक होता है मसल बिल्डिंग के, एक होता है फिटनेस फिट रहने के। ये रात हो चुकी है भाई, हमारे सो रहे हैं, कितने बजे रहे भाई? भाई टाइम हो रहा है 2:20 हो रहे हैं। 2:20 हो गए, हमने ज्यादा ही बात कर ली भाई आज। भाई उसके बाद दुखा भी तो है ना, टीकी रहा। पर भाई सॉरी 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 बट भाई इनको गाड़ी ब्लैक होने को दिए ना पीपीएफ, बस जल्दी आने वाली है भाई, आने वाली है ना, खतरनाक। मतलब उसके बाद तो भाई बस अभी बस तो करनी दे चीजें अभी है भाई, तभी देखेंगे। बहुत कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन का खेल है। नहीं नहीं अब तो, अब वही वाला पुराना दौर आने वाला है, दौर बनाना है। बाकी पुराना क्या भाई, साले मेरा है, अरे मतलब साले सुधर जा, तू नीचे दिखा रहा है क्या मेरे को, साथ रखे। बाकी भाई सो जाओ, रात हो चुकी है, खुश रहो और जो खुश नहीं है उससे डंबल हेड मंगवाओ, मुक्का मारो या फिर क्रंचेस करवाओ, पर उसको खुश रखो यार। बाकी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और भाई तुम सब्सक्राइब और कमेंट करते नहीं, लाइक करते नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा यार, व्लॉग चैनल भी बढ़ाना है ना, कर दो। लव यू भाई।